नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले पंजाब किंग्स के बारे में, जहां पे हम बात करेंगे उनके प्लेइंग 11 को लेकर के कि पहले मैच में यानी कि जो कि होने वाला है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 12 अप्रैल को, उसमें क्या कुछ रह सकता है पंजाब किंग्स का प्रोबेबल प्लेइंग 11। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे बड़े फ़ैन हैं पंजाब किंग्स के, केएल राहुल के, सपोर्ट करते हैं इस टीम को, जिताना चाहते हैं आईपीएल 2021 का खिताब, तो बेझिझक सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको रोजाना और हमेशा अपडेट मिलती रहे आपकी सबसे फेवरेट टीम पंजाब किंग्स से जुड़ी हुई और आईपीएल 21 की सारी खबरों से जुड़ी हुई। और हाँ दोस्तों, आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसके आईडी का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट इस वीडियो के माध्यम से बनाते रहिए ताकि जो टारगेट है इस वीडियो का वो जल्द से जल्द कम्प्लीट हो जाए। और दोस्तों, आप भी जो है कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपनी राय जो है इस प्लेइंग 11 के बारे में देते रहिए। तो अब दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो में कि क्या है पूरी रिपोर्ट। तो अब दोस्तों, जैसे कि हम बात करें पंजाब किंग्स का जो पहला मैच है वो होने वाला है 12 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। तो अब दोस्तों, अगर बात करें पंजाब किंग्स के, अगर हम बात करें फील्डिंग कोच की, तो उन्होंने कह दिया है कि हमारा जो टारगेट रहेगा वो यही रहेगा कि पहला जो 3 मैच होगा उस पर किसी भी तरीके से बहुत ही ज़्यादा जो है फोकस किया जाए और उसे जीता जाए, क्योंकि अगर आपका आगाज़ सही तरीके से होता है तो आप अंजाम के लिए एक बार रेडी रह सकते हो। लेकिन अगर बात करें आप शुरुआती के मैचेस को हारने लगते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है बीच के मैचों में वो डाउन हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट जो है हमें अगले परफॉर्मेंस में देखने को मिलता है। तो इसी को लेकर के जॉन्टी रोड्स ने कहा है कि हमारा टारगेट रहेगा पहला 3 मैच किसी भी तरीके से जीता जाए। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो पहला मैच जो कि पंजाब किंग्स का होने वाला है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, मुंबई में ये मैच खेला जाने वाला है। और दोस्तों, अगर बात करें पंजाब किंग्स की, तो ब्रैबोर्न स्टेडियम में उन्होंने अपना जो प्रैक्टिस है उसको चालू कर दिया है। तो अब दोस्तों, ऐसे में अगर बात करें पंजाब किंग्स की जो प्लेइंग 11 रहेगी वो कुछ इस प्रकार हमें दिखाई दे सकती है। केएल राहुल और मयंक अग्रवाल जो कि बने रहेंगे वर्ल्ड क्लास वो ओपनर हैं, अगर ये बात करें आईपीएल को लेकर के, क्योंकि दोस्तों केएल राहुल ने पिछले सीजन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, 5 हाफ सेंचुरीज और 1 सेंचुरी उन्होंने जड़ा था। वहीं अगर बात करें मयंक अग्रवाल की, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छी पारी खेली थी केएल राहुल के साथ। अगर बात करें तो वो 1-2 मैच में इंजर्ड थे जिसके कारण उन्हें पूरा मैच खेलने को नहीं मिला, लेकिन जब भी उन्हें मैच खेलने का मौका मिला उन्होंने पंजाब किंग्स को कभी निराश नहीं किया। वहीं दोस्तों, अगर बात करें तो 3 नंबर के लिए सेट हैं पूरी तरीके से क्रिस गिल, जो कि आईपीएल 2020 में भी 3 नंबर पर हमें खेलते हुए दिखाई दिए थे। अब दोस्तों, क्रिस गिल इस प्लेइंग 11 में बने रहेंगे, क्योंकि अगर बात करें क्रिस गिल के रहने से प्लेइंग 11 में बैटिंग में काफ़ी मजबूती मिलती है। और अगर बात करें क्रिस गिल ओपन भी करते हैं पंजाब किंग्स के लिए, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छी इम्पैक्ट वाली परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकती है क्रिस गिल से। क्योंकि अगर दोस्तों बात करें क्रिस गिल के आंकड़ों से, तो उन्होंने ओपनिंग में काफ़ी अच्छा रन बनाया है और काफ़ी अच्छा जो है उनका स्ट्राइक रेट और एवरेज रहा है। अब दोस्तों बात करें 4 नंबर पे, तो निकोलस पुरन की जगह बनती है पंजाब किंग्स के टीम में, क्योंकि जिस तरीके से हमें फॉर्म में दिखे थे अगर बात करें आईपीएल 2020 में और T10 में, और अगर बात करें वेस्टइंडीज़ दौरे पर वो काफ़ी अच्छे जो है फॉर्म में दिखे, तो निकोलस पुरन जो है टीम में रहना चाहेंगे पंजाब किंग्स के। और दोस्तों, उसके बाद बात करें तो पंजाब को मिडिल ऑर्डर में काफ़ी एक तोड़ मरोड़ करना पड़ेगा और काफ़ी जो है आंकड़ा सेट करके बल्लेबाजों को सेट करना पड़ेगा। तो अगर बात करें उसके बाद पंजाब किंग्स के लिए, तो 5 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं मनदीप सिंह। अब दोस्तों, मनदीप सिंह जो कि नेट्स में काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और भरोसेमंद बल्लेबाज ये भी हैं, तो अगर बात करें 5 नंबर के लिए, तो पंजाब किंग्स के पास ऑप्शन रहेगा मनदीप सिंह, सरफराज खान, प्रभसिमरन सिंह। ये तीनों बल्लेबाजों में से पंजाब की टीम किसी एक को खिला सकती है 5 नंबर पे। वहीं अगर बात करें तो दीपक हुड्डा भी जो है ऑप्शन में बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों बात करें 6 नंबर के लिए, तो शाहरुख खान की जो पोजीशन रहेगी काफ़ी अच्छी बन सकती है। और अगर बात करें तो पंजाब की टीम इन पोजीशन को जो है स्वैप कर सकती है, यानी कि शाहरुख खान को 5 नंबर पर खिला सकती है, मनदीप सिंह, दीपक हुड्डा, सरफराज खान और प्रभसिमरन सिंह जैसे बल्लेबाजों को 6 नंबर पर जो है मौका दे सकती है। क्योंकि दोस्तों अगर बात करें शाहरुख खान की, तो उन्होंने डोमेस्टिक सीजन में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। और दोस्तों अगर बात करें पंजाब किंग्स के सीईओ सतीश मेनन की, तो उन्होंने कह दिया है कि शाहरुख खान के रूप में हमें एक अच्छा फिनिशर मिला है। और जिस तरीके से अगर बात करें शाहरुख खान एक ऑलराउंडर हैं, तो ऐसे में वो फिनिशर का रोल हमारे लिए प्ले करते हुए नजर आएंगे आईपीएल में इस सीज़न। तो शाहरुख खान की जो जगह है वो 5 या 6 नंबर पर रहने वाली है पंजाब किंग्स के लिए, और हमें आईपीएल 21 में सारे मैचेस खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं
शाहरुख खान। बात करें शाहरुख खान की तो 6 फीट के लंबे कद वाले खिलाड़ी हैं, और अगर बात करें तो नेट्स में काफ़ी लंबे लंबे शॉट्स लगाते हुए नजर आए हैं। अब दोस्तों देखना दिलचस्प होगा इस सीज़न में क्या शाहरुख खान पंजाब किंग्स के लिए अप टू द मार्क फिनिश करते हुए नज़र आते हैं कि नहीं, ये देखना एक दिलचस्प रहेगा। वहीं दोस्तों अगर बात करें 7 नंबर पर तो हमें दिखाई देंगे बल्लेबाजी करते हुए जाय रिचर्डसन, जो कि काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं और पंजाब की टीम ने इन्हें खरीदा है सबसे ज़्यादा अमाउंट में, यानी कि 14 करोड़ रुपए में। तो ऐसे में जाय रिचर्डसन को पंजाब की टीम जो है हर मैच खिलाना चाहेगी और इनसे पूरे पैसे वसूलना चाहेगी, और जिस तरीके से इन्होंने प्रदर्शन किया है BBL के मैचों में, और अगर बात करें बाकी सारे डोमेस्टिक मैचों में, और अगर बात करें इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो ऐसे में जाय रिचर्डसन का जो जगह है वो पंजाब की टीम में किसी भी तरीके से बनता है, क्योंकि पंजाब की टीम की जो कमजोरी रही थी वो रही थी उनकी गेंदबाजी, जिसको लेकर के पंजाब की टीम ने IPL 21 में काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी खरीदे हैं। तो ऐसे में एक खिलाड़ी रहेंगे जाय रिचर्डसन उनके बॉलिंग डिपार्टमेंट में। वहीं दोस्तों बात करें तो उसके बाद मोहम्मद शमी, जिनकी जगह पंजाब की टीम में काफ़ी अच्छी तरीके से बनती है, और जिस तरीके से अपने आप को बैक कर रहे हैं इंजरी के बाद, और नेट्स में काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस करते हुए नज़र आए हैं और रिदम में दिखे हमें मोहम्मद शमी, तो ऐसे मोहम्मद शमी का जगह किसी भी तरीके से बनने वाला है, क्योंकि अगर बात करें पिछले सीजन तो इन्होंने 14 मैच में 20 विकेट लिया था और हाईएस्ट विकेट टेकर बने थे पंजाब किंग्स की टीम के लिए। वहीं दोस्तों बात करें तो स्पिन डिपार्टमेंट में देखने को मिल सकता है रवि बिश्नोई और मुरुगन अश्विन की जोड़ी, इन दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, और जिस तरीके से पंजाब की टीम ने इन खिलाड़ियों को रिटेन किया है कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि इनमें जो भरोसा है वो काफ़ी अच्छा बना के रखा है पंजाब किंग्स की टीम ने। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि स्पिन डिपार्टमेंट में पंजाब की टीम किन किन को लेकर चलती है, क्या मुरुगन अश्विन और रवि बिश्नोई दोनों खेलेंगे या फिर दोनों में से कोई एक खेलेगा, और पंजाब एक एक्स्ट्रा बैट्समैन को लेकर चलेगी दीपक हुड्डा के रूप में, जो कि ऑलराउंडर के रूप में आएंगे और पंजाब की टीम को गेंदबाजी के लिए अच्छा खासा विकल्प देने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें आखिरी खिलाड़ी के बारे में तो रायली मेरेडिथ हो सकते हैं पंजाब के इस प्लेइंग 11 में। तो अब दोस्तों अगर बात करें कुल गेंदबाजी डिपार्टमेंट को लेकर के तो हमें 3 तेज गेंदबाज यहाँ पर देखने को मिले हैं, जाय रिचर्डसन, मोहम्मद शमी और रायली मेरेडिथ। ये 3 ऐसे गेंदबाज हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर विकेट लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और अगर बात करें रायली मेरेडिथ की तो इनका एक्स्ट्रा पेस जो है पंजाब की टीम को जरूर हेल्प करने वाला है, अगर बात करें शुरुआती के ओवरों में और अंत के ओवर में पंजाब किंग्स को विकेट चटकाने के लिए। तो आपका क्या कहना है इस गेंदबाजी यूनिट को लेकर के कि 3 गेंदबाज कौन कौन से होने चाहिए पंजाब किंग्स के, रायली मेरेडिथ, मोहम्मद शमी, जाय रिचर्डसन, और अगर बात करें 2 स्पिनर के रूप में तो मुरुगन अश्विन और रवि बिश्नोई की जोड़ी कैसी रहेगी, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप भी जो है अपनी तरफ से पंजाब किंग्स का जो प्लेइंग 11 है कमेंट करके हमें बताते रहिए, और कोई चेंजेस, कोई बदलाव और कोई खिलाड़ी अगर पंजाब किंग्स के प्लेइंग 11 में फिट बैठता है तो उसका नाम हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब का क्या कहना है इस प्लेइंग 11 के बारे में, और आप इस प्लेइंग 11 को कितनी रेटिंग देते हैं, या हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन और अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।